अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल हैं? ठीक हैं, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको सेक्रेटरी रोड परमिट के परमिट लेने के बाद आपको बताता हूं कि मुख्तलिफ गाड़ियों के मुख्तलिफ परमिट होते हैं। और इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले आप मेरे इस चैनल को इंफॉर्मेशन 85 चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर भी किया करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा कि सबसे पहले आप तक न्यू और एनर्जेटिक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो आए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको टैक्सी गाड़ी का परमिट जो ले लिया गया है, पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि वो इस तरह तरतीब के साथ लिया जाता है। इसमें फिटनेस का सर्टिफिकेट होता है, इंश्योरेंस होती है, इसके साथ दरख्वास्त लिखी जाती है, कापी के डॉक्यूमेंट्स लिखे जाते हैं, आईडी कार्ड की फोटोकॉपी होती है, फिर एक परमिट सेक्रेटरी के पास जमा होते हैं, चलान लिया जाता है, चलान इजी पैसा जैस कैश के पर जमा कराने के बाद ऑटोमेटिकली ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू ये परमिट आपका कागजी सूरत में सामने आता है, सेक्रेटरी इसको साइन करते हैं, फिर ये मिल जाता है आपको। तो नोट फरमाएं कि रूट परमिट होल्डर को हिदायत की जाती है कि तारीख इख्तिताम रूट परमिट से एक माह कबल हमेशा जमा किया जाता है। अगर बसूरत दीगर अगर जमा ना हुआ, यानी आपकी 18/7/2023 को परमिट है, तो आपने 18/6/2023 को जमा कराना होता है। तो एक महीना पहले जमा किया करें, जुर्माना पड़ता है और बसूरत दीगर असल फ़ीस के अलावा 300 रुपया जुर्माना होता है। तो आएँ अब शुरू करते हैं इस परमिट को। ये परमिट का व्यू है, टैक्सी मोटर कैब लिखा होता है यहाँ पर, ये देखें पॉइंट मोटर कैब, ये गाड़ी नंबर होता है और ये है रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट अखाड़ी। इसके अलावा भी परमिट दीगर अजला के भी बनते हैं, 37 अजला हैं पंजाब के, वो बनते हैं। ये साथ उसकी इंश्योरेंस भी होती है, तो उसकी भी तस्वीर आप देख लें ताकि आप वजी ना हो। और ये देखें मोटर कैब है और ये अटक जेलम चौपाल पिंडी का परमिट आपके पास मौजूद है। अब एक रिक्शा है, वो रिक्शा जो ऑटो रिक्शा होता है, गाड़ी नंबर है, उसका भी परमिट सेम टू सेम होता है, जेलम की पासिंग के साथ हुआ है। ये परमिट भी किसी को बंद कराना हो तो उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC होती है। इसी तरह ये सवारियों वाली सुजुकी है, सवां अड्डा टू अडियाला जराई तक, ये आपका रूट है, ये एक साल का बनता है, ठीक है सर। और इसके बाद सुजुकी पिकअप होती है, सुजुकी पिकअप पंजाब पूरे का हो तो 37 अजला हैं, चंडीगढ़ तक ज़िले हैं, रावलपिंडी अटकिन अगरवाल लाहौर कुशा भी सारे आते हैं। ये इस्लामाबाद की पासिंग के साथ जारी हुआ हुआ है और कुछ अर्सा पहले जारी हुए थे, अब फिक्स शुरू हो चुकी है पंजाब में 2023 के 9वें महीने से आपकी विक्स है। तो ये विक्स के साथ जाने ये पुराना था, ये सारा 300 रुपये लेट थी, तो सारे के साथ डिटेल यही होती है। इसी तरह ये डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के है, खाली अटक जेलम चौपाल पिंडी का वो आप सिंगल देख रहे थे, ये सिर्फ रावलपिंडी का है। तो ये टैक्सी था, तो अब ये आपके सामने जनाब ये दूसरे परमिट आ रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के परमिट होते हैं। तो ये ऑपरेशन एरिया जो है इसका अटक जेलम चौपाल पिंडी रीजन का है। इसी तरह ये विक्स का परमिट है, ये NOC है, अगर पेपर ना हो तो वो परमिट के बैक साइड के ऊपर भी प्रिंट निकलवा देते हैं, नोटिफिकेशन सर्टिफिकेट गाड़ी का है, ठीक है ना। और इस्लामाबाद की पासिंग भी मैं कोशिश करता हूँ आपको बताऊँ। और ये सारी चीज़ें विक्स के साथ जो पासिंग आजकल हो रही है, ये वो परमिट आपको मैं निकालू 2016 तक है, सॉरी, ये आप मुख्तलिफ गाड़ियों के परमिट हैं। अब इंश्योरेंस की वेब मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगा, ये है जनाब जी अटक जेलम चौपाल पिंडी विक्स के साथ परमिट हैं ये सारे, ये देखें सारे पंजाब का परमिट है, फुल पंजाब का, ये भी विक्स के साथ परमिट जारी हुआ है। और ये आप इस्लामाबाद के साथ है, ये मुख्तलिफ गाड़ियों, ये NOC है जो रिसेंट अभी जारी हुई है, टैक्सी की गाड़ी बंद की हुई है इस्लामाबाद के लिए, ये आपके पास विक्स, ये सारी इंश्योरेंस है। तो यहाँ पर गाड़ी का नाम लिखा जाता है, नेम एड्रेस लिखा जाता है और मियाद उसकी लिखी जाती है कि ये 2024 तक है। ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है ताकि आपको
कहीं गलत तरीके से परमिट जारी ना हो और तहकीक कर लिया करें कि ये दफ्तर से ही जारी हुआ है। तो आपको अगर इंफॉर्मेशन पसंद आए तो ये मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि मैं आपको और मज़ीद अच्छी बातें सुनने को मिल जाएँ। तो ये इसके साथ पासिंग है इस्लामाबाद की, तो कुछ अर्सा पहले चलती थी। ये फिटनेस है, इस्लामाबाद में साल की पासिंग होती है, ये पुरानी पड़ी है, अभी मेरे पास रिसेंट नई भी है। तो ये सुजुकी पिकअप है, गाड़ी नंबर लिखा होता है, ये सारी चीज़ें डिटेल 9/8/2024 तक है। तो इंफॉर्मेशन पसंद आए आगे शेयर करें ताकि किसी की मदद हो जाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर है।